नमस्कार। आज हम कॉलोनोस्कोपी के बारे में यहाँ पर जानेंगे। कॉलन को एक स्कोप के द्वारा जो उसका एग्जामिनेशन किया जाता है उसी को हम बोलते हैं कॉलोनोस्कोपी। कॉलोनोस्कोपी यूजेस ए फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक वीडियो एंडोस्कोप टू परमिट विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें क्या होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन की लाइनिंग है उनका विजुअल एग्जामिनेशन किया जाता है। किसके द्वारा? कॉलोनोस्कोप के द्वारा, या फिर कह सकते हैं फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक वीडियो एंडोस्कोप होता है ये, इसके द्वारा। इट इज़ इंडिकेटेड फॉर पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, परसिस्टेंट रेक्टल ब्लीडिंग एंड द लोअर एब्डोमिनल पेन when the result of proctosigmoidoscopy and a barium enema test are negative or inconclusive। तो ऐसे पेशेंट जिनमें की क्या है, जिनमें हिस्ट्री है कॉन्स्टिपेशन की, डायरिया की, या फिर परसिस्टेंट रेक्टल ब्लीडिंग की, या फिर लोअर एब्डोमिनल पेन की, जो कि हम इससे पहले उसको प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी कर चुके हैं और बेरियम अनीमा टेस्ट कर चुके हैं, लेकिन इन दोनों के रिज़ल्ट क्या आए हैं, नेगेटिव आए हैं, या फिर कोई कंक्लूज़न हम उससे निकाल नहीं सकते, इस तरह से आए हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद कॉलोनोस्कोपी करते हैं। कॉलोनोस्कोपी के लिए जो फाइब्रो ऑप्टिक एंडोस्कोप होता है वो कुछ इस तरह का होता है। नेक्स्ट है, पर्पसेस क्या होंगे कॉलोनोस्कोपी के, तो ये इस तरह से होंगे। पहला है टू डिटेक्ट और इवेलुएट इन्फ्लामेटरी एंड अल्सरेटिव बाउल डिजीज़। इसे हम डिटेक्ट करते हैं और इवेलुएट करते हैं कि कोई इन्फ्लामेटरी और अल्सरेटिव बाउल डिजीज़ तो नहीं है। सेकंड है टू लोकेट द ओरिजिन ऑफ लोअर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। लोकेट करते हैं कि ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से उत्पन्न हो रही है क्या चीज़, लोअर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, तो इसका पता लगाते हैं। तीसरा है डायग्नोस कॉलोनिक स्ट्रिक्चर्स। कॉलोनिक स्ट्रिक्चर्स तो नहीं है, कोई सिकुड़ी हुई संरचनाएं तो नहीं है, एंड बिनाइन और मेलिग्नेंट, कोई मेलिग्नेंसी या बिनाइन ट्यूमर तो नहीं है। नेक्स्ट है लीजन्स, मेलिग्नेंट लीजन्स तो नहीं है। फिफ्थ है टू इवेलुएट द कॉलोन पोस्ट ऑपरेटिवली फॉर रिकरेंस ऑफ पॉलिप्स। पोस्ट ऑपरेटिवली हम चेक करते हैं कॉलन को, कोई पॉलिप का रिकरेंस तो नहीं हो रहा। तो इस तरह से ये पर्पज हो गए कॉलोनोस्कोपी के। एक बार वापस से रिवाइज करते हैं इनको। टू डिटेक्ट और इवेलुएट इन्फ्लामेटरी एंड अल्सरेटिव बाउल डिजीज। सेकेंड है टू लोकेट द ओरिजिन ऑफ लोअर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। तीसरा है डायग्नोस कॉलोनिक स्ट्रिक्चर्स एंड बिनाइन और मेलिग्नेंट। फोर्थ है लीजन्स, मेलिग्नेंट लीजन्स, एंड फिफ्थ है टू इवेलुएट द कॉलन पोस्ट ऑपरेटिवली फॉर रिकरेंस ऑफ पॉलिप्स। अगला है नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर क्या दी जाती है, एनपीओ आफ्टर मिडनाइट, कॉलोनोस्कोपी से पहले एनपीओ रखा जाता है मिडनाइट से। बाउल प्रिपरेशन की जाती है, इसमें बाउल को खाली किया जाता है या तो एनीमा के द्वारा या फिर जो भी प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर ने लिखा है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है आईवी लाइन एंड आईवी सेडेशन दिया जाता है। कॉलोनोस्कोप वेल लुब्रिकेटेड होना चाहिए। मे फील अर्ज टू डेफिकेट व्हेन इट इज़ इंसर्टेड। जब इसको इंसर्ट किया जाता है तो डेफिकेट की उसकी अर्ज भी फील कर सकता है पेशेंट। इन्फॉर्म एयर इंसफिलेटर। लेफ्ट साइड विथ नी फ्लैक्स, ये पोजिशन होती है इसकी। वाइटल साइंस चेक किए जाते हैं। पीरियोडिक पल्स ऑक्सीमेट्री चेक की जाती है। इसके लिए बायोप्सी, फोर्सेप और साइटोलॉजी ब्रश रखी जाती है। सक्शन में भी यूज्ड। क्लोजली ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ बाउल परफोरेशन के साइन के लिए क्लोजली ऑब्जर्व करना होता है। एंड मे पास लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लेटस आफ्टर इंसफ्लेशन। इंसफ्लेशन के बाद में लार्ज अमाउंट फ्लेटस भी पास कर सकता है पेशेंट। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, परफोरेशन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी एंड रिट्रोपेरिटोनियल एम्फाइसिमा होने के चांसेस इसमें होते हैं।
तो कॉम्प्लिकेशन में परफोरेशन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, एक्सेसिव ब्लीडिंग और इंट्रापेरिटोनियल एम्फाइजिमा। तो आज का हमारा टॉपिक था कॉलोनोस्कोपी। यदि आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।